हेलो दोस्तों, गिरते हुए मार्केट में कुछ ऐसे भी स्टॉक हैं जो आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो आज हम उन स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो दोस्तों गिरते हुए मार्केट में बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है और पहले भी दे रहा था, अभी भी दे रहा है। तो हमें दोस्तों वैसे स्टॉक को छोड़ना नहीं चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो और अगर लॉस है तो एग्ज़िट भी कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टॉक जो आपके सामने है दोस्तों, उसने कभी भी लॉस नाम की चीज़ ही नहीं दिया, दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पिडिलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड दोस्तों, अभी जो इसका करेंट मार्केट प्राइस है 1653 के आसपास चल रहा है दोस्तों। ये स्टॉक कभी लॉस ही नहीं दिया, हालांकि गिर रहा है मार्केट। जब भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ दोस्तों, मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रहा है लेकिन ये स्टॉक में गिरावट ही नहीं हो रहा। सबसे पहले हम इसका चार्ट देख लेते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है और इस स्टॉक ने कितना बड़ा बड़ा रिटर्न दिया है, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोस्तों 5 ईयर का डेटा देखते हैं। 5 ईयर में अगर देखें तो फाइनली स्टॉक जो है अप ट्रेंड में ही है, डाउन ट्रेंड में तो नहीं है। उसके बाद अगर हम 10 ईयर का डेटा देखें, 10 ईयर का डेटा अगर हम देखते हैं तो दोस्तों ये 100 रुपीज़ का स्टॉक 1600 बन चुका है, 1600-1700 बन चुका है। तो आप देख सकते हो 10 सालों के अंदर आपका पैसा कम से कम 15 से 20 गुना कर ही देगा दोस्तों। 10 साल के अंदर अगर कोई स्टॉक इतना अच्छा रिटर्न देता है, सोचिए अगर आपने 10 लाख रुपये इन्वेस्ट किया तो आपके पास कितना होगा, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए भाई। आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसी ऐसी कंपनी मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों जो गिरने का नाम ही नहीं ले रहा। आप खुद बताइए, मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रहा है। ठीक है, मैं इसका 1 मंथ का डेटा दिखाता हूँ, ये देख लीजिए। 1 मंथ का चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, 1 मंथ में क्या ये स्टॉक गिरा है, नहीं गिरा है। यहाँ देख लीजिए 1600 का लोएस्ट मारा था, 1600 के लोएस्ट मारने से फिर 1500 गया था, 1500 के बाद आज देख लीजिए दोस्तों 1653, मतलब कि दोस्तों मतलब ये 1700 के आसपास ये चल चुका है। ठीक है, तो क्या ये स्टॉक गिर रहा है, नहीं दोस्तों, ऐसा स्टॉक नहीं गिरेगा। तो ऐसे स्टॉक को अगर आप खरीदोगे तो अच्छा रहेगा। अगर हम कंपनी के बारे में देखते हैं दोस्तों, इसका होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, तो कंपनी के पास जो है मोटर के पास अराउंड 70% के आसपास जो है, और उसके बाद अगर पब्लिक को देखना पड़ता है तो दोस्तों पब्लिक को 9% के आसपास मिला है, 8.94%। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट के आसपास जो है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है प्रमोटर्स के पास है। उस कंपनी को आप खरीदो जिसके पास मोर देन 60%, मतलब दोस्तों कम से कम तो प्रमोटर्स के पास 60% होना ही चाहिए। वो कंपनी में आप रुचि दिखाओ तब जाके आपको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट होगा। ठीक है, और इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी देख लेते हैं दोस्तों कैसा है। तो ये रहा आपके सामने क्वार्टरली रिजल्ट। तो सबसे पहले हम सेल्स देख लेते हैं, जिस कंपनी में सेल्स हो रहा है भाई, अगर आपने एक समोसे की रेड़ी भी लगाई है या पानी पूरी की, अगर आपका सेल्स बहुत ज़्यादा हो रहा है तो सोच सकते हैं कि आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है। अगर आपको सेल्स नहीं हो रहा तो समझ जाइए कि पानी का रेड़ी हो, चाहे पानी पूरी का रेड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, 2 दिन में ही बैठ जाएगा। तो भाई सेल्स एक ऐसा चीज़ है ना, ये मतलब पूरी दुनिया में हर एक चीज़ से मतलब सेल किया जाता है, बेचा जाता है। या तो कोई बंदा अपना टैलेंट बेचता है, या तो कोई बंदा अपना प्रोफेशन बेचता है, या तो कोई बंदा अपना कुछ भी चीज़ वो बेचते रहता है। विद द हेल्प ऑफ सिंगिंग आर्टिस्ट, राइटर, किसी भी चीज़ से वो अपने चीज़ों को बेचते रहता है, तभी जाके वो पैसा कमाता है दोस्तों। ठीक है, तो उसी तरह इस कंपनी में सेल्स देख लेते हैं, तो 4% के आसपास है, 6% के आसपास है, ये क्वार्टरली है। ठीक है, तो 6.64 मतलब 7% के आसपास। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों क्वार्टर रिजल्ट में इसको क्या प्रॉफिट हुआ, 5.42 के आसपास जो है इसको नेट प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर देख लेते हैं 1 ईयर का डेटा दोस्तों, 1 ईयर का डेटा अगर देख लेते हैं तो इस कंपनी में 4.24 सेल हुआ। ठीक है, 4.24, और यहाँ देख लीजिए कुछ भी अदर इनकम देख लो, इंटरेस्ट देख लो, डिप्रिसिएशन, यहाँ तक कि डिप्रिसिएशन इस कंपनी का पॉजिटिव है। डिप्रिसिएशन बहुत अहम मुद्दा होता है दोस्तों, इसको तो कभी नेगेटिव में रहना चाहिए लेकिन दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव में देखा जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर नेट प्रॉफिट और लॉस देख लेते हैं तो 55.73, मतलब कि दोस्तों अगर 2 साल कंपनी काम किया तो डबल, सोचिए 2 साल में डबल, तभी तो 10 साल में आपका पैसा कम से कम 15 से 20 गुना कर दे रहा। तो ऐसी कंपनी को आप ध्यान में रख सकते हो। और ये जो मैं दूसरा स्टॉक आपको दिखा रहा हूँ, ये पीटा हुआ स्टॉक है, मतलब कि दोस्तों इसका जो प्राइस है बहुत ऊपर से गिर चुका है और इसमें पोजीशन बनाने का बहुत बहुत अच्छा मौका है। मार्केट अगर थोड़ा बहुत और गिरा तो ये स्टॉक करेक्शन में बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, अजंता फार्मा लिमिटेड दोस्तों, इसका जो भी करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1453 के आसपास। ठीक है, और दोस्तों इस स्टॉक का अगर हम देख लेते हैं
अगर मैं आपको टोटल ग्राफ देख के आपको बताता हूँ, तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये स्टॉक एक बार बहुत ज़्यादा गिर चुका था 10 सालों के अंदर। ये स्टॉक का प्राइस 3,250 के आसपास रहता था दोस्तों, 3,300 के आसपास था, लेकिन उसके बाद ये स्टॉक में दोस्तों 1,000 रुपीज़ का बन के, यहाँ तक कि 1,000 रुपीज़ से भी नीचे चला गया था, 800 के आसपास चला गया था दोस्तों, 800 या 900 के आसपास। लेकिन उसके बाद जब ये बाउंस बैक लेना स्टार्ट किया तो 1,000 से 400 तक चला गया, 1,400-1,500 तक। तो मतलब कि दोस्तों 40 या 50% का रिटर्न तो ये दे ही चुका है। और ये देखो, आपको फार्मा सेक्टर में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक फ्यूचर है, लोगों का फ्यूचर है। क्योंकि लोग कोई काम करे चाहे ना करे, वो अपने हेल्थ पर ज़रूर ध्यान देते हैं। अगर कहीं पर कुछ ख़रीदने जाओ तो वहाँ पर बोलते हैं भाई ठीक ठाक लगाओ, मतलब कि अगर कोई बोलता है 100 तो बोलते हैं नहीं भाई 80 रुपया ले लो, 90 रुपया ले लो, है कि नहीं, लोगों का बोलने का आदत है। लेकिन अगर कहीं जाएंगे चेकअप करवाने के लिए अपने, क्योंकि वो मतलब लाइफ है ना, तो वहाँ पर बोलेंगे भाई 10-20 तुम एक्स्ट्रा रख लो, लेकिन हमें सही से ठीक कर दो। तो इसलिए फार्मा सेक्टर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अभी जैसे कि यस बैंक चुका है, ठीक है, लेकिन उसके आगे पीछे भी बैंक है। लेकिन दोस्तों वो के लोग क्या सोचेंगे, ये बैंक में पैसे डाल दूंगा, लेकिन डॉक्टर एक ऐसा चीज़ है दोस्तों जहां पर आपको सब्सिट्यूट नहीं मिलेगा। तो फार्मा सेक्टर में दोस्तों ये जो स्टॉक है ये आपको आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न दे सकता है। और प्रमोटर की होल्डिंग कितना होना चाहिए, मोर देन 60%, यहाँ पर आपको 70% मिल रहा है, कंपनी ठीक ठाक है। ठीक है, कंपनी अगर देखे तो दोस्तों ये कब हुई थी, इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1979, ठीक है, कंपनी 1979 में कॉर्पोरेटेड हुई थी दोस्तों, मतलब उसी टाइम ये जो कंपनी को स्थापित किया गया था। और इसका हम क्वार्टरली देख लेते हैं परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है अभी। तो अगर हम क्वार्टरली देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले क्वार्टरली, तो क्वार्टरली में सेल्स में बहुत ही कम इंक्रीज़ हुआ है, 1.31, मतलब बहुत कम है। अदर इनकम कुछ भी नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4.69 है, अदर इनकम यहाँ पर देख सकते हैं 10.74 है। लेकिन जो भी है ये क्वार्टर रिजल्ट है और ये 1 ईयर का रिजल्ट है, ठीक है, अर्लियर रिजल्ट है, ठीक है। लेकिन अगर हम दोस्तों सेल्स में देखें तो यहाँ 1 है, यहाँ 34, मतलब कि 1 साल में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग किसी चीज़ से मतलब डर नहीं लगता, लेकिन बीमारी से बहुत ज़्यादा डर लगता है उनको, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 4 है, लेकिन यहाँ पर 73 है, मतलब सोच सकते हो कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अदर इनकम में 10 है, लेकिन यहाँ पर देख लो 231 है, ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जा रहा है। उसी तरह यहाँ पर देख लो इंटरेस्ट में दोस्तों, ये कंपनी में क्या था, कोरोना वायरस के लिए, ये देख लो दोस्तों मैसेज आया, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो इंटरेस्ट में क्या था, नेगेटिव में था, लेकिन यहाँ जब पॉजिटिव में हुआ तो कितना है, 1,644। तो इतना ज़्यादा जो है कंपनी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। लास्ट में अगर नेट प्रॉफिट में अगर हम देखें तो 7% माइनस है क्वार्टरली रिजल्ट में, लेकिन 1 ईयर के अंदर देखते हैं तो 60% का, 60.76 का जो है जंप लगा है दोस्तों, 60% का। बताइए 60% से अगर कंपनी ग्रो करती है तो कितना अच्छा रहता है। और इसका मैनेजमेंट भी देख लो, मैनेजमेंट भी देख लो दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव, रिटर्न ऑन असेट पॉजिटिव, रिटर्न ऑन कैपिटल पॉजिटिव, फिक्स असेट पॉजिटिव, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, सब कुछ प्रॉफिट। लेकिन जब कंपनी में सब कुछ प्रॉफिट ही हो रहा है तो हमें ऐसी कंपनी को क्यों छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पर देख लो सब कुछ आपको पॉजिटिविटी दिखाई दे रहा है, तो ऐसे कंपनी पे आप जो है खरीदने के लिए सोच सकते हो, ठीक है। ये था दूसरा कंपनी। तो लास्ट वाले जो कंपनी है दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये वो कंपनी है जो पूरे हिंदुस्तान पे कब्ज़ा किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान के लोग जो हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के ही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, HUL। इसीलिए दोस्तों अगर इसका हम देख लेते हैं ग्रोथ की अगर बात करते हैं, तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। ये देख लीजिए दोस्तों, 250 में स्टॉक मिलता था आज से 10 साल पहले, आज के डेट में यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा बहुत अगर नीचे हम करें तो 2,250 के आसपास में ये स्टॉक आपको मिल जाएगा, 2,300 के आसपास, मतलब 250 रुपीज़ का स्टॉक, 250 रुपये का स्टॉक आपको 2,500, आपको कम से कम 2,000-2,500 रुपये में मिल रही है, सोचिए। तो ये क्या है, ये ग्रोथ होता है दोस्तों। ऐसी कंपनी को सोचिए अगर आपने ख़रीदा, मान लीजिए सपोज अगर आपने एक ऐसी कंपनी ख़रीदा और ज़्यादा नहीं या 50,000 ही लगा दिया, एक छोटा सा अमाउंट अगर 50,000 लगा दिया, तो सोचिए आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा। 50,000 ही अगर आपने लगाया है और आपका पैसा जो है अगर मान लीजिए कि 10 से 20 गुना हो गया, तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा दोस्तों आपको। तो इसीलिए जो भी आपको करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए करो। ये जो कंपनी है दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसके बारे में तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके बारे में तो सब जानते हैं लोग, बस आपको इधर दिखाना है कि किस कंपनी पर आपको फोकस रखना है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी कंपनी मैंने बताया
बताया आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लगा कि दोस्तों जो स्टॉक है वो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो लाइक कीजिए। अगर आप चाहते किसी और स्टॉक पर वीडियो बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो।